गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 10.3 के आखिरी दो प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है और 12 को आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए और प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई। ये हमारे पास आकृतियां दे रखी हैं, इनको हमें आयतों के रूप में तोड़ना है। पहले तोड़ दो, जैसे ये अभी हमारे पास, अब इसका क्षेत्रफल यदि हम लेंगे पहले वाले भाग का, तो ये हमारे पास एक इसकी लंबाई आयत की 12 हो गई और चौड़ाई 2, तो 12 गुना 2, और दूसरी आयत ये है जिसकी लंबाई 8 और चौड़ाई 2 है, 8 गुना 2, और सेंटीमीटरों में है तो 12 सेंटीमीटर, भुजाओं की माप सेंटीमीटरों में दे रखी है, तो 12 दूनी 24 और 8 दूनी 16 वर्ग सेंटीमीटर, 16 और 24 हमारे पास क्या हो गया, 40 वर्ग सेंटीमीटर। आकृति का हमारे पास क्या आ गया, अक्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब इसके क्षेत्रफल को देख लेते हैं। यहाँ पे भी दो आयत हम बढ़ा देते हैं, ये 5 हो गई लंबाई चौड़ाई 1, तो इसका क्षेत्रफल 5 गुना 1 लंबाई गुना चौड़ाई हो गया। इस आयत की लंबाई 4 होगी, चौड़ाई 1, 4 गुना 1 वर्ग सेंटीमीटर में, ये हमारे पास आ गया 5 जमा 4 एकम 4 वर्ग सेंटीमीटर। कितने वर्ग सेंटीमीटर हो गए, 9 वर्ग सेंटीमीटर इस आकृति का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है। अब इसको देखें, इसको हम करते हैं कि ऐसे तोड़ देते हैं। देखो इस आकृति को ऐसे तोड़, ऐसे तोड़ने से क्या होगा, देखो ये हमारे पास 5 वर्ग आ गए और पांचों वर्ग ऐसे हैं जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम कर सकते हैं 5 गुणा जो एक वर्ग का क्षेत्रफल है, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा 7 गुणा 7, और पांचों का क्या होगा 5 से और गुणा कर दिया वर्ग सेंटीमीटर, सतो सती 49, और 49 को हम 5 से गुणा करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 245 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सीधा ऐसे कर सकते हैं, इसको इसको ऐसे भी ले सकते हैं। मान लो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है और आपको वर्ग नहीं बनाने हैं, तो छोड़ दें, यहां से ऐसे ले लें, तो एक वर्ग ये हो गया 7 गुना 7 का एक वर्ग ये, तो 7 गुना 7 जमा 7 गुना 7, और एक ही आयत आ गई हमारे पास जिसकी लंबाई 7 है, जिसकी चौड़ाई 7 है और लंबाई 7 ये 21 हो गई, तो आएगा 21 गुना 7 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये आ गया 147 में यदि हम 98 जोड़ेंगे तो 245 हमारे पास वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान, पहले वाला मुझे आसान लग रहा है, आपको शायद ये आसान लगा हो, जो भी आसान लगा हो आप उसे कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं कि एक टाइल की माप 5 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर है, तो टाइल का क्षेत्रफल, टाइल की माप देखिए, पहले टाइल का क्षेत्रफल निकाल लें, 5 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर, 12 पंजे 60 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया टाइल का क्षेत्रफल। एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः ए में, लंबाई क्या दे रखी है और चौड़ाई क्या दे रखी है, हम वो दोनों लिख लेते हैं। पहले लंबाई दे रखी है 144 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 100 सेंटीमीटर, इसको ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, इसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर क्या देगा 140 वर्ग सेंटीमीटर, और सीधा टाइलों की आवश्यकता होगी, कितने टाइलों की आवश्यकता होगी, हम इस क्षेत्रफल को जो एक टाइल का क्षेत्रफल है उससे भाग दे देंगे। ठीक है, 0 से 0 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 6 चौके 24 कितने टाइलों की आवश्यकता होगी 240 टाइलों की आवश्यकता होगी पहले क्षेत्रफल को, पहले क्षेत्र को ढकने के लिए। और दूसरे वाले में हम देख लेते हैं जिसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर चौड़ाई 36 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है 70 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है 36 सेंटीमीटर, अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल वही 70 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर, हमारे पास क्या आ गया 7 6 42 4 7 21 और 4 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर भी हम लिखेंगे
टाइलों की आवश्यकता होगी। कितने टाइलों की आवश्यकता होगी? जो इसका क्षेत्रफल है 2520 वर्ग सेंटीमीटर को हम किससे भाग दे देंगे? 60 वर्ग सेंटीमीटर से। 0 से 0, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, तो इसके लिए कितने टाइलों की आवश्यकता होगी? 42 टाइलों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से प्रश्न और प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हुई। प्रश्नावली का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।